भाई दो तीन नोट तो हाथ लगे, क्यों? बाकी का तो मेरे को पता, मेरी फैमिली लड़ लड़ के फाड़ दिए होंगे। अच्छा, ये तो फिर भी नोट है, पिछली बार 5 का सिक्का मिला उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर कैसी फैमिली का। अब भाजी मैंने भी कहां पंगा ले लिया अपनी फैमिली से फैशन शो करवाने का, क्यों? इन लोगों को तो कोई पशु मेले में एंट्री नहीं देता। पर एक बात है भाजी, फैशन शो देखने का मजा बड़ा आता है। और भाजी मुझे कभी कभी पता क्या लगता है, कि जो लड़कियां आती है ना रैंप पे, आके यूं यूं करके ये बेसिकली आती नहीं है, ये बेसिकली कपड़े पहनने जा रही होती हैं। तो कैमरामैन वही शूट करके दिखा देते हैं, इनको पता है इससे ज्यादा और क्या पहनाएंगी, इतने छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं। खबरदार, ओ तेरी होशियार, जो किसी ने कम कपड़े पहनने की बात करी तो ओए होए, शर्म और हया आज भी हिंदुस्तान की औरत का गहना है। किल्ली पे टंगे हुए मैंने कहा जी मान लिया शर्म है हिंदुस्तानी औरतों का गहना है, लेकिन आपने ये क्या पहना है? मेरा मतलब कौन है आप? मैं वही हूं जिसने आज भी हिंदुस्तान में शर्म और हया को बरकरार रखा है। ओए राखी सावंत के लिए जोरदार तालियां। राखी आप बड़े दिनों बाद दिखाई दी, आप कैसे हैं आप? क्या पहले आप ये नहीं पूछेंगे कि मैंने नीचे का कहां से गायब हो गया? नहीं, गायब तो मैं तब पूछूं जब कभी मुझे नजर आया हो। कहां गए मतलब नीचे वाले कपड़े? यहाँ है। एक्चुअली क्या ना कि मैं ये पहन के आई थी, हाँ, तो आपके वॉचमैन ने रोक लिया। क्या मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। फिर बस और क्या, फिर वो कह रहा था पहले घुटने दिखाओ। उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके तो पासपोर्ट तक पे घुटनों की फोटो लगी हुई है। अरे ये मैंने यहाँ पहना था, हाँ, फिर यहाँ से निकाल के घूंघट डाल के आ गया। ओहो, सामान गिर रहा है आपका। कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। बड़ी ये भी रख दीजिए, कभी देखा नहीं ना आपके हाथ में, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। राखी आप आइटम डांस करते करते पॉलिटिक्स में आ गई और अब अचानक से शर्मो हया की बातें, इतना परिवर्तन कैसे आया? मैं अपने दर्शकों को पहले बताना चाहता हूं, यहां पे जरा बताया जाए कि राखी में कितना परिवर्तन आया है। हैं? ये आप परिवर्तन देख सकते हैं राखी, सडनली मतलब ऐसे कैसे? जलपरी से तोतापरी। सिद्धू जी, हाँ जी, खूब आइटम सॉन्ग किए, खूब टॉक शो किए, खूब कॉमेडी शो किए, खड़का दिया, खूब पैसा कमाया और हिंदुस्तान की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, अब मुझे ऐसा लगा कि जो इन्होंने मुझे दिया अब मुझे उनको वापस देना चाहिए सूद समेत। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में चली गई, इतना पैसा कमाया, लेकिन मैं फिर से आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गई क्योंकि पूरा पैसा खत्म हो गया। राखी की ये खासियत है, जो बोलती हैं दिल से बोलती हैं, बिंदास बोलती हैं। राखी मैंने इलेक्शन के दिनों में आपके पोस्टर देखे, जब आपकी फोटो के साथ आपका चुनाव निशान हरी मिर्ची तो साइड पे लगा था, जब आपकी फोटो ऑलरेडी लगी थी तो हरी मिर्ची की क्या जरूरत थी? आप ऑलरेडी काफी तीखी हैं। एक्चुअली क्या ना कि मैं इलेक्शन ऑफिस में गई तो हमें एक चुनाव चिन्ह चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने हमें ये चुनाव चिन्ह दिया, तीन चीज दी, डंडा, कैची और हरी मिर्च। तो फिर मेरी नजर मिर्ची पे गई और मैंने कहा अब मेरा चुनाव चिन्ह मिर्ची ही रहेगा, इसलिए मैंने मिर्ची को सिलेक्ट किया। अच्छा राखी एक बात बताइए, आप जब पॉलिटिक्स में आई तो कौन से मुद्दों को लेकर आ पाई? मुझे बहुत गुस्सा रहा अंदर से। ओए सिद्धू जी, मैं बहुत सीरियस हूँ पॉलिटिक्स में। अच्छा, जब मैं पॉलिटिक्स में कदम रखा तो सबसे पहले महिला सुरक्षा। ओहो, महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है जी, बिल्कुल, और ये मैं करते रहूंगी सारी महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए करके रहूंगी। मोदी जी से मैं डेफिनेटली कहूंगी। अच्छा, डेफिनेटली कहूंगी कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात है राखी आपने। मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं लड़कियों के कपड़े पहने जाए, छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी है, लड़कियां जो मर्जी पहने, अपनी आंखों पे चश्मे पहन लो। हाँ, हाँ, अपना दिमाग क्लियर करो। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो औरतें जो बच्चे पैदा करती हैं तो उनके घर वाले उनको बहुत फोर्स करते हैं लड़के के लिए, लड़का पैदा होना चाहिए, उस चक्कर में यू नो मतलब जी ऐसा प्रॉब्लम होता है। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए।
ये अच्छी बात है। लड़कियों को सेव होना चाहिए और उनको कोख में एक बच्ची को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे औरत से देश चलता है। यू नो, मैं भी एक लड़की हूँ, बिल्कुल, मैं भी काम कर रही हूँ, तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जितनी भी महिलाएं और मेरी बहनें बैठी है, आई प्राउड ऑफ यू एवरीवन। राखी, एक बात है, आप अगर पॉलिटिक्स में आ जाती, आपने जैसे कहा आप तो लोगों का भला करती, लेकिन हम लोगों का तो नुकसान हो जाता। आप इतना अच्छा डांस करती, हमें आपका डांस देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों फिर आप पॉलिटिक्स में आती तो आप डांस करती? आज भी आइटम सॉन्ग कर रही हूं। कर रही हैं आप सच्ची? हाँ, मैं तो पॉलिटिक्स में हूं। एक मेरा कदम पॉलिटिक्स में है, एक कदम मेरा फिल्म इंडस्ट्री में। क्या बात, अच्छी बात है ये तो। डेफिनेटली बॉस, मैं तो सीधा कहती हूं, आइटम सॉन्ग्स, फिल्म में काम करना, सिद्धू जी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है मेरे आइटम सॉन्ग से, तो मेरी बैंक में ना 20-30 करोड़ फिक्स में रख दे और हर महीने 25 लाख रुपए दे दे, मैं सब छोड़ दूंगी। ओए। मेरा ब्रेड एंड बटर है मेरा काम, है कि नहीं? मेरा काम है ना, मेरा ब्रेड एंड बटर है ना मेरा काम। वो प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स मिशन है, दोनों अलग। यस, और पॉलिटिक्स में मैं नोट कमाने थोड़ी गई। लोग तो जीत के आते हैं, गोनिया बनाते हैं, कमा लेंगे। नहीं, मैं ईमानदारी से वहां पे हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरी कर्म भूमि है। क्या बात है। आपको पता है, लोग कई कई बार ना सिद्धू पाजी को भी बोलते हैं कि सिद्धू पाजी तो टीवी पे इतना काम करते हैं, और सिद्धू पाजी का एक टुक जवाब होता है, मैं काम बाहर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से पैसा नहीं कमाना। तो ये विचार मुझे अच्छे लगे आपके भी पाजी, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। कपिल, मैं आपको बता दूं कि मैं तो चुनाव लड़ चुकी हूँ ना। जी जी। ऐसे गए बच्चों को बोला, मम्मा को बोलना वोट देंगे इनको, ऐसे ऐसे मैंने बोला मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, मैं तुम्हारी सड़कें बनवा के दूंगी, कचरा हटवा के दूंगी, गार्बेज पॉइंट, ड्रेन सब बनवा के दूंगी, बहुत काम करूंगी। तो फिर नहीं आए वोट। वो बच्चा ने अपने मम्मी डैडी से कहा ही नहीं, लेकिन 12 दिन की पार्टी में बॉस 2500 वोट आए। आई थिंक वो ईमानदारी के, नोट देके वोट नहीं लिए, वो ईमानदारी के वोट है। क्या बात। ताकि जैसे आपने अभी कहा कि आप पॉलिटिक्स में आती हैं तो आप अपना ये प्रोफेशन नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें आपका कोई गाना देखने को मिला नहीं, तो क्या आप कर रही हैं आगे, फ्यूचर प्लान कर रही हैं कुछ ऐसा कपिल फ्यूचर में? यार, मैं ब्लू जैकेट क्यों पहन के आई आप लोग को पता है क्यों? और आप मुझे कह रहे थे मैं इतना टाइम तक गांव गायब थी जी, मैं हॉलीवुड में गई थी। अच्छा, एक फिल्म है हॉलीवुड की, 2-3 फिल्में कर रही हूँ। ब्लू पैंथर, ऐश्वर्या की पिंक पैंथर आई थी, मेरी ब्लू पैंथर फिल्म आ रही है, आप सब लोग जरूर देखना, हॉलीवुड की फिल्म। अरे, मैं बॉलीवुड में भी हूँ और हॉलीवुड में भी हूँ। अरे क्या बात है। यस, बहुत प्रैक्टिस कर, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं थी, लेकिन नाउ आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, एंड आई कैन लॉट ऑफ डू इंग्लिश, यू नो, व्हाटएवर व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो। हमारी दोनों की हालत सेम ही है यार। राखी, मैं तुम्हारा फैन हो गया एक बार फिर से। जोरदार टैलेंट हो गया, कितना एंटरटेन करती है राखी। अच्छा राखी, एक बात बताइए, अगर आप देश की प्रधानमंत्री बन जाती, भगवान ना करे, तो ऐसे ऐसे मैं ऐसे, तो सबसे पहला काम आप क्या करती? अगर मैं देश की प्रधानमंत्री बन जाती तो सबसे पहले पार्लियामेंट में हाजिरी पूरी होती। वो तो हाजिरी पूरी हो जाती, आप अपनी तरफ से क्या करते? सबसे पहले जो मिक्का है ना उसको अंदर करवाती। उसने बहुत बहुत जुर्म कर रहा है, वो किसी को घड़ी दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना उससे मिक्का से इतनी मतलब झगड़ा क्यों? वो तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। कहां से प्यार? तो कुछ भी बना मेरी वजह से तो बना है, मतलब उनके गाने वाने कुछ नहीं है। कौन सुनता था उसका गाना पहले? कौन सुनता था? जब से मेरे मुंह लगा है तब से सुनने लगे लोग। राखी, हर एक लड़की का सपना होता है बचपन में कि वो या नौकरी करेंगी या कहीं शादी करेंगी। आपका बचपन में क्या सपना था? डांस करूंगी। बचपन में? हाँ, मैं तो माँ की कोख में ही डांस कर रही थी। और बताओ सिद्धू जी, जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर बेहोश हो गया। ओ, ऐसे क्यों? मुझे क्या पता, बिना मेकअप के। हाँ, मैंने मेकअप तो नहीं लगाया था। अच्छा राखी, बीच में हमने सुना भी, जब आपने शादी की बात हुई तो राखी ने यह बयान दिया कि मैं शादी करूंगी तो स्वामी रामदेव जी से, हैं? ऐसा आपके दिमाग में क्या आया था? क्या आपने कभी बाबा रामदेव का योगा देखा है? बिल्कुल। जिस तरह से वो पेट ऐसे 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 हिलाते हैं वो देखा है?
मुझे मुझे वो पेड़ घुमाते हैं ना बाबा जी का, बाबा जी का टुल्लू तो पेड़ घुमाते हैं ना वही अच्छा लगा मुझे, बस इसलिए मैंने कहा। पर कितनी प्रॉब्लम हो जाती, सोचो राखी अगर उनके साथ शादी कर लेती वो मान जाते तो क्या होता, राखी 2 बजे पार्टी करके आ रही है 4 बजे फिर सुबह उठा लेते, चलो उठो योगा करो। कपिल यार सबको छोड़ो यार, तुम ही मेरे साथ शादी कर लो। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कर लो ऐसे, कितनी हीरोइनों के पीछे तुम पड़ते हो। हाँ। एक मैं आई हूँ हिंदुस्तान की वन एंड ओनली राखी सावंत, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो कर ले। ये तो मतलब कहरी हो जाएगा, एक तो बीवी ऊपर से राखी सावंत। मेरा मतलब कल को बाजी, कल को राखी है गुस्से वाली, कभी बोल दे इस राखी का क्या पता है, कल को जाके मेरे खिलाफ ही बोल दे कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड मेरे पे गलत नजर रखते हैं।